बात दुखद है कि बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं हो पा रही है मुझे, ये सच है। आप अपना रेडियो बंद करेंगे? मेरा रेडियो नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। आपका रेडियो ही है। चैनल वालों का क्या हाल है पिछले 3 महीने से? जनवरी के बाद में कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं था यहाँ पे। बंगाल में दिखा रहे हो, बंगाल में रैली हो रही है, इनकी रैली होती है तो कोरोना इनके हाथ में। आप ये लोग ये बात तो समझते नहीं। सेवा में काम कर दिया आपने, पात्रा को बचा लिया। नहीं, नहीं। आपने पात्रा को बचा लिया, मुझे मेरा बात आपने कंप्लीट करने नहीं दिया दीती जी। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान मीडिया भाजपा नेताओं से सवाल करता दिखाई दिया, पर इन्हीं डिबेट्स में मीडिया ने विपक्ष पर जब उंगली उठाई तो विपक्ष ने भी पलटकर जवाब दिया। आज हम इस वीडियो में बात उन्हीं डिबेट्स की करेंगे। एबीपी न्यूज पर ममता बनर्जी के मुद्दे पर डिबेट हुई। एंकर ने टीएमसी नेता से ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछने शुरू किए, जिस पर नेता जवाब दे ही रहे थे कि एंकर ने बार बार टोकना शुरू कर दिया, लेकिन टीएमसी के नेता ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। अभी 4 दिन पहले ही तो टीएमसी, ममता सरकार के 2 मंत्री, टीएमसी के 2 नेता, उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अभी तो बहुत ताजे ताजे मामले हैं। सबका हिसाब बराबर करने के लिए ममता बनर्जी को ये कोरोना से निपटने के लिए बुलाई गई बैठक ही मिली। मैडम सच बता रहे, मैडम आप सही में सच पत्रकार है। आपने जिस तरीके से बताया, काफी कृतज्ञ हूँ मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो बताया है सही बताया मैडम, ये बदले लेने वाली सरकार है। ये सर, दर्शक सुन रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, दर्शक सुन रहा है आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, आज की बैठक को लेकर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है रखने के लिए। आज की बैठक को लेकर आपने कहा कि साहब प्रचार करते हैं। आज की बैठक को लेकर मैंने पूछा क्या प्रचार था इसमें, उसके पास आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। मैडम आज दुखद है कि बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं हो पा रही है मुझे, ये सच है। उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है क्या? बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है क्या, इसीलिए आप बात कर रही है ऐसे? न्यूज 18 पर भी ममता बनर्जी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने टीएमसी के समर्थक तौसीफ खान से ममता बनर्जी को लेकर सवाल किए, जिस पर जब तौसीफ खान जवाब देने लगे तो एंकर भाजपा का पक्ष लेने लगे, लेकिन तौसीफ खान ने एंकर को सुना दिया। छत्तीसगढ़ के डीएम ने अपनी बात रखी, अपनी समस्या रखी, उन्होंने बताया कि उनको केंद्र से किस तरह की मदद चाहिए और प्रधानमंत्री ने एक्शन भी लिया। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, विपक्ष की सरकार है ना, कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी कम होती है क्या? आज, लेकिन आज आपने देखा अशोक गहलोत को, आपने देखा है भूपेश बघेल को? हाँ, तो सवाल का जवाब देखिए जी सर, बंगाल में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। इस डेटा पॉइंट बीजेपी बंगाल में हार गई, बीजेपी बंगाल में हार गई 370 सीटें हुई, बीजेपी बंगाल में हार गई, ममता बनर्जी जीत गई। सुनिए बात को, सुनना पड़ेगा आपको। इलेक्शन का पॉइंट ही नहीं है ये। ये पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ रही है, वहाँ के डीएम नहीं आ रहे, राजस्थान में बीजेपी आ रही है, वहाँ के डीएम नहीं बोल रहे। आप अपना रेडियो बंद करेंगे? मेरा रेडियो नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। आपका रेडियो ही है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको सबका रेडियो लगता है, एक तरफा बात कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। वैक्सीन के मुद्दे पर जी न्यूज पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने टीएमसी समर्थक तौसीफ खान से वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल किए, जिस पर तौसीफ खान ने एंकर को भाजपा नेता से सवाल करने की सलाह दी, पर एंकर के ऐसा ना करने पर तौसीफ खान ने एंकर को करारा जवाब दिया। बीजेपी कह रही है विपक्ष भ्रम की राजनीति कर रहा है, भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट आज उन्होंने एक सच्चाई को तो कबूल कर लिया कि 6.5 करोड़ से ज्यादा, 6.6 करोड़ के लगभग को वैक्सीनेशन दिए गए हैं, 93 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए गए हैं जनवरी से लेकर के अब तक। सर मैं आपको बोलने दूंगी ना सर, मैं आपको दुष्प्रचार नहीं करने दूंगी। सर आपको बोलने के लिए ही बुलाया है, आप ये लोग ये बात तो समझते नहीं। काम कर दिया आपने, पात्रा को बचा लिया। नहीं, आपने पात्रा को बचा लिया, मुझे मेरा बात आपने कम्प्लीट करने नहीं दिया दीती जी। आपने मुझे 10 सेकंड नहीं दिया जो मैं दूसरी बात आपको बताना चाह रहा था, आपके दर्शकों को बोलना चाह रहा था। क्या बात मैं कहना चाह रहा था, पब्लिक आपके हेल्थ मिनिस्ट्री का एनकाउंटर करें और मैं आपको करने दूं, आप फैक्ट्स का एनकाउंटर करें और मैं करने दूं। सर आप बीजेपी को बीजेपी का धर्म याद दिलाइएगा, एक पत्रकार के तौर पर मुझे मेरा धर्म याद ना दिलाइएगा सर, मुझे पता है मेरा धर्म क्या है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर चित्रा त्रिपाठी ने किसान नेता राकेश टिकैत का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कोरोना महामारी के वक्त किसान आंदोलन के जारी रहने पर सवाल किए, जिस पर राकेश टिकैत ने जवाब दिया, और अपने जवाब में उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए, जिस पर एंकर ने पलटवार किया, लेकिन राकेश ने भी उसका करारा जवाब दिया। क्योंकि मौजूदा जो स्थिति है वो क्या इस बात की इजाजत देती है कि आंदोलन को आगे भी कंटिन्यू रखा जाए,
हॉस्पिटलों की हालात क्या है आज गामू में? स्वास्थ्य की तरफ आप किसी ने वोट मांगा है देश में? देश में वोट किस नाम पर मांगा जा रहा है? स्वास्थ्य पर कौन ध्यान देगा सरकार? आज अगर आंदोलन चल रहा है तो इस पे ध्यान आ गया, पर्चे निकाल निकाल के लिए सारे बीजेपी वाले। जिस दिन बंगाल में चुनाव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, वहां पे भीड़ नहीं थी। आपको लग रहा है कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन किसानों के हित में क्या हाल है? राकेश टिकैत साहब, तीन महीने से भारतीय आप दिखा रहे हो, आप दिखाते हो। चैनल वालों का क्या हाल है पिछले तीन महीने से? जनवरी के बाद में कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं था यहाँ पे। बंगाल में दिखा रहे हो, बंगाल में रैली हो रही है, इनकी रैली होती है तो कोरोना इनके हाथ में है। बीजेपी की रैली होगी तो कोई कोरोना नहीं है, चुनाव होगा तो कोई कोरोना नहीं है। मीडिया कुछ गिने चुने मुद्दों पर ही कभी कभी भाजपा नेताओं से सवाल करता है, लेकिन ज्यादातर मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर मीडिया विपक्ष के नेताओं पर उंगली उठाता है, लेकिन विपक्षी नेता भी अब डिबेट में ही करारा जवाब देते हैं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.